नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अविनाश है। मैं रूबन पाटलिपुत्र हॉस्पिटल में कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक जीआई सर्जन हूं। आज मैं आपको फिस्चुला यानी भगंदर के बारे में, उनके लक्षण, उनसे होने वाली तकलीफ़ें और उसके आधुनिक पद्धति से उसके इलाज के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिस्चुला या भगंदर काफ़ी तकलीफ देता है। फिस्चुला भगंदर का लक्षण है पैखाना के रास्ते के नज़दीक में एक अलग से छिद्र होना और उससे पानी या फिर गंदगी का रिसाव होना। मरीज को काफ़ी तकलीफ़ होती है, दर्द होता है और पैखाना करते समय काफ़ी दर्द भी महसूस होता है। ये भी एक सोशल स्टिग्मा की तरह है। हम लोग के समाज में लोग इन चीज़ों को छिपाते हैं, अपने मन से कुछ दवाएं खा लेते हैं, कुछ दिनों तक ठीक रहता है बट पूरी तरह से ठीक होता नहीं है। हम लोगों के पास एक पुरानी पद्धति थी जिसमें काफ़ी लंबा चीरा लगाया जाता था और जो फिस्चुला का जो रास्ता होता है उसको पूरी तरह से काट दिया जाता था। महीनों तक ड्रेसिंग होती थी, लोग काफ़ी परेशान रहते थे। हीलिंग होने में करीब करीब 1.5 से 2 महीना लग जाता था। पिछले साल हमने लॉन्च की है एक लेजोट्रॉनिक लेज़र ट्रीटमेंट फिस्चुला के लिए, फिस्चुला के इलाज के लिए। ये बिल्कुल भी पेनलेस है। मैं फिर कहूँगा कि फिस्चुला के इलाज में इससे बढ़िया कोई ट्रीटमेंट नहीं है आज के समय में, इसलिए कि इसमें बिल्कुल भी चीरा नहीं लगाया जाता है। लेजोट्रॉनिक लेज़र से हम लोग पैखाने के रास्ते से स्किन तक के रास्ते को हम लोग देख लेते हैं दूरबीन से और उस रास्ते को लेज़र के प्रोब के जरिए जला देते हैं पूरी तरह से। ये बिल्कुल कॉस्मेटिक है, इसमें बाहर से कोई भी दाग नहीं होता है। मरीज को 6 से 8 घंटे में पूरी तरह से रिकवरी हो जाती है। सर्जरी का जो समय है वो भी 10 से 15 मिनट है। मरीज को 10 से 15 मिनट बस बेहोश रहना पड़ता है, 6 घंटे में छुट्टी हो जाती है अस्पताल से और फिस्चुला का जो ट्रैक्ट है वो अगले 1 हफ्ते में पूरी तरह से हील कर जाता है। ये बिल्कुल पेनलेस है, इसमें बिल्कुल भी ब्लड लॉस नहीं होता है और ये बिल्कुल भी आधुनिक पद्धति है। मैं पिछले 1 साल से ये सर्जरी कर रहा हूँ, तकरीबन 50 से अधिक सर्जरी कर चुका हूँ फिस्चुला का। काफ़ी अच्छा रिस्पांस है लोगों का और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सबको बताएं कि अब हमारे राज्य में भी दूसरे राज्यों की तरह ये पद्धति आ गई है और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ।